नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। उबर काफी पॉपुलर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, हालांकि कई बार गलत कारणों से ये चर्चा में आ जाती है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि मुंबई के एक व्यक्ति को 50 किलोमीटर उबर राइड के लिए 3,000 रुपए खर्च करने पड़े थे। हालांकि उस समय का मौसम खराब था, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी एक घटना सामने आई है। इसमें साफ मौसम में भी व्यक्ति को लगभग 3,000 रुपए खर्च करने पड़े। ये घटना दिल्ली एनसीआर की बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर के रहने वाले एक शख्स ने दिल्ली एयरपोर्ट यानी टर्मिनल 2 से अपने नोएडा के लिए कैब बुक की। ये राइड लगभग 45 किलोमीटर की थी। इसके लिए उसने 2,935 रुपए खर्च किए। इसको लेकर नोएडा के रहने वाले देव ऋषि दास गुप्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि कैब के मीटर ने उनसे 147.39 किलोमीटर राइड के लिए चार्ज किया है। इसके इस ट्वीट के रिप्लाई में एक और उबर कस्टमर ने लिखा कि कंपनी ने कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी किया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।